हेलो दोस्तों, वेलकम टू भाग्यश्री फूड जंक्शन। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक। दोस्तों, ये रेसिपी काफ़ी इजी है और इसे कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैंने लिया है उबला हुआ आलू, कटा हुआ प्याज, तेजपत्ता, इलायची, लौंग, काली मिरी, धनिया और हरी मिर्च। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पालक धोकर लिया हुआ है, अच्छे से वॉश करना है, कट करके लेना है पालक को। और कढ़ाई में ऑयल डालना है और इसके बाद हम पालक को भून लेंगे। आप चाहिए तो बॉईल भी कर सकते हैं, बट बॉईल करने से उसका कलर चेंज हो जाता है, तो मैं इस तरीके से हल्का सा भून कर लेना पसंद करती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ मैंने पालक पूरा भून लिया है अच्छे से। अभी मैं इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दूँगी और उसके बाद मिक्सी में पीस लूँगी। अब हम आगे बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। उसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा तेल। छौंकना जो हम रेगुलर लगाते हैं मोहरी जीरा डाल के, वही मैं एज यूजुअल डालूंगी। इसके बाद हम डालेंगे प्याज। ध्यान रखें दोस्तों, प्याज को जो है वो ज़्यादा हमें भूनना है इसमें। बाद में ऐड करूंगी इसमें हरी मिर्च और साथ ही साथ हमारे जो तेजपत्ता, इलायची, धनिया और लौंग थी वो भी डाल दिया है मैंने। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करूंगी। यहाँ मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। गरम मसाला डाल रही हूँ मैं 2 टीस्पून और साथ ही साथ हल्का सा धनिया पाउडर भी ऐड कर रही हूँ मैं। ऑप्शनल है ये, आपको ऐड करना है कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम कटे हुए जो उबले हुए आलू थे वो ऐड कर देंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे हमारा पालक का पेस्ट जो हमने पीस कर लिया था। इसे भी हम पहले हल्का सा भून लेंगे सारी सब्जियों के साथ, ताकि मसाले का टेस्ट जो है इस सब में उतर जाए। और इसके बाद मैं ऐड करूंगी पानी। और पानी ध्यान रखें, आप गर्म पानी ही इसमें ऐड करें, नहीं तो टेस्ट बिगड़ जाएगा इसका। थोड़ा और पानी डालेंगे इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। और अब स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे इसमें। जैसे ही बॉईल होना स्टार्ट हो जाए हम इसे ढककर रख देंगे 5 से 8 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हैं हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, इसका मतलब हमारा आलू पालक रेडी है। इसे हम सर्विंग के लिए ले लेंगे अभी एक बाउल में। तो दोस्तों, कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।